अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। लास्ट वीडियो में हम न्यूज़ फीड एपीआई में जो बैकएंड में न्यूज़ API.AI उसके कोड को हमने कलेक्ट किया था, जो कि हमारा एक API सोर्स है हमारी न्यूज़ ऐप डेवलपमेंट की ऐप के लिए। अब हम जो हमारे रिमेनिंग 3 सोर्सेज हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो हमारे रिमेनिंग 3 सोर्सेज हैं यहाँ पर, न्यूज़ आर्टिकल कंट्रोलर, और ये मैंने कॉपी बनाई है, इसको हम डिलीट कर देंगे एट द एंड। हम इन पे अब काम कर रहे हैं कि न्यूज़ API.org, द गार्डियन API एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स API, इन 3 फंक्शंस को हम आज की वीडियो में अपडेट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे लास्ट टाइम हमने यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया था, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो फ्लो होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा जो हमने यहाँ पे किया था काम को। URL और क्यूरी के साथ हम काम कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर URL क्रिएट कर लूँगा जो कि ये होगा। यहाँ पे URL को कॉल कर लूँगा, यहाँ पे ये करूँगा और ये जो काम है इसको कॉल करने से पहले करूँगा और क्यूरी को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ये काम हो गया। अब नेक्स्ट हम क्यूरी को क्रिएट करेंगे। क्यूरी क्रिएट हमारी इस तरह होगी कि हम यहाँ पे इस तरह इसको कंकेटिनेट करते जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे एंड आएगा, ये आएगा और जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं उनको मैं डायरेक्टली अपेंड कराता जाऊंगा एक दूसरे के साथ। जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको कंकेटिनेट करवाते जाएंगे और वंस अगेन ये यहाँ पे आ जाएगा एंड इक्वल कंकेटिनेट एंड इक्वल और ये स्ट्रिंग है तो इन दोनों को मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ख़त्म होगा। उसके बाद आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इसके लिए मैं एक कॉपी कर लूँगा ऊपर से और यहाँ पे रख लूँगा, ये क्यू आ जाएगा और उसमें कीवर्ड आ जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट सॉरी, इसको ही कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये जो भी मैं कर रहा हूँ इसको एज इट इज़ कर देंगे। यहाँ पे ये चीज़ इसकी क्योंकि वैल्यू है ये, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि ये इसकी API के लिए रिक्वायर्ड है। सेव कर लेंगे। उसके बाद इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दैट्स इट। और ये फ्रॉम यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट डेट यहाँ पे आ जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, टू यहाँ पे आ जाएगा, एंड डेट यहाँ पे आ जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, सोर्सेस यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा और सोर्सेज जो है कोमा सेपरेटेड हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ से बेसिकली इसको कॉपी कर लूँगा एज इट इज़ और यहाँ पर ऐसे करूँगा, इस चीज़ को यहाँ पे कर लूँगा और अगर इस तरह होगा तो मैं उसको लिट ओके, दोनों केसेस में यही हो सकता है क्योंकि कोमा सेपरेटेड हो सकते हैं, ग्रेट है, दैट्स इट, सेफ। ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गई है। इसकी हम जो इसका जो बेसिकली रिटर्न फॉर्मेट है उसको भी अपडेट कर देंगे ताकि सब जगह पे एक ही रिटर्न फॉर्मेट यूज़ कर रहे होंगे ये, और बाकी अगर चाहिए तो आप कर लें, अदरवाइज नहीं। मैं अभी के लिए यही काम कर रहा हूँ, यहाँ से भी इसको रिमूव कर दूँगा क्योंकि ये डाटा वगैरह मेरा हो गया और यहाँ पर बेसिकली ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर सिर्फ ये, यहाँ पे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डाटा, दैट्स इट। और उसके बाद इसको मैं अब अनचेक कर दूंगा क्योंकि ये API हमारी हो गई है, लेकिन वंस अगेन ये हमारी रेस्ट में आएगी और ये हमारी इसके बाद आएगी जो कि यहाँ पे ORG आ जाएगी, यहाँ पर ये आएगी और यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रंट एंड पे आएंगे, रीफेच करेंगे और देखते हैं कि कुछ फ़र्क इससे पड़ा है कि नहीं।
डेटा में क्या उसमें तब्दीली आई है। और ये आप देख सकते हैं कि न्यू आर्टिकल्स आए हैं जो कि हमारे दूसरे एपीआई में से आ रहे हैं। एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करके देख लेते हैं, बस मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ओके दोनों एपीआईज में कुछ ना कुछ रिजल्ट आया। और ये डाटा आ गया, यहाँ पर आएंगे, रिजल्ट में आएंगे, डाटा में आएंगे, और ये आप देख सकते हैं कि दोनों में ये नल है, उसके अलावा टाइम्स नल है, लेकिन इसमें भी डाटा आ रहा है और इसमें भी डाटा आ रहा है। और यहाँ पे एक काम मैं करूँगा जो कि होगा इसकी सफाई, यहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ यहाँ पे ऑथर्स, ये क्यूरी, ETC, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके डन। नेक्स्ट अब हम काम करेंगे गार्डियन एपीआई पे। एक दफ़ा इसको फिर फेच कर लेते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे द गार्डियन एपीआई, उसको हम कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, रिजल्ट हमारा ओके हो गया, दो में आ रहा है, बाकी दो अभी खाली हैं जिनको हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे। कंटिन्यू करते हैं और इस एपीआई को अपडेट करते हैं। होपफुली आपने गेस कर लिया होगा, अगर आप वीडियो को स्टॉप करके इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कंटिन्यू करें, इससे आप ज़्यादा सीखेंगे। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा जो कि इससे पहले होगा, URL हम यहाँ पे देंगे, इसको कट कर लेंगे और क्यूरी को यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे API की द गार्डियंस, और उसके बाद बेसिकली इसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ये ज़रा ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए ऐसे। डॉट इक्वल डॉट ये एंड इक्वल, और ये स्ट्रिंग है तो डायरेक्ट आ जाएगा, एंड इक्वल ये स्ट्रिंग है तो डायरेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद एंड इक्वल ये स्ट्रिंग है तो डायरेक्ट आ जाएगा। और ये जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं इनको पहले कवर कर लेंगे क्योंकि ये उसके बाद फिर एंड पे वो करेंगे, ये एंड इक्वल एंड इक्वल, उसके बाद एंड इक्वल, यहाँ पर एंड और इक्वल, और लास्टली एंड इक्वल, यहाँ पे अब कंकैटिनेट करना पड़ेगा और फिर से एंड इक्वल और कंकैटिनेट, और इसी के साथ ये ख़त्म हो गया, इनको ख़त्म कर देंगे और आगे अब फिर वही जो काम हम कर रहे थे बाकी सब में वही यहाँ पे रिपीट होगा। और यहाँ पे स्पेस ऐड कर देंगे, ये क्यू यहाँ पे आ जाएगा, कीवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, फ्रॉम डेट यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट डेट यहाँ पे आ जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, टू डेट यहाँ पे आ जाएगा, एंड डेट यहाँ पे आ जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, और इसी के साथ ये कंप्लीट है। इसकी रिटर्न फॉर्मेट अपडेट कर देंगे जो कि हो जाएगी डाटा और ये, और इसको यहाँ पे अनकमेंट करेंगे और इसको बेसिकली डुप्लीकेट करेंगे, ये रेस हो जाएगा, और इस रेस को यहाँ पे पकड़ कर इसमें से डाटा, दैट्स इट, और इन तीनों को मैं कॉपी करके यहाँ पे ऊपर भी पेस्ट कर दूँगा ताकि ये भी अपडेट हो जाए। सॉरी यहाँ पर चलें, कोई नहीं, इसको डुप्लीकेट कर लो, रेस कर लो, रेस में से डाटा,
थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई मुश्किल वाली बात नहीं। डुप्लीकेट वैस और वैस में से डेटा, डुप्लीकेट वैस वैस रिस्पॉन्स में से डेटा, डुप्लीकेट वैस और रिस्पॉन्स में से डेटा। ये आखिर वाली का सिर्फ रिटर्न फॉर्मेट अपडेट कर देते हैं क्योंकि मैंने ताकि अगर उधर जाके मैं कॉल करूं तो एटलीस्ट एरर ना आए। जो बाकी अपडेट है वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ये ले। और इसी के साथ कोई एक एरर आ गया, ये क्या, सॉरी यहाँ पे फ्रंट एंड पे आके चेक करते हैं रिफेच। और अब तीन में डाटा होना चाहिए, सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स एपीआई उसको हम नेक्स्ट अपडेट करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और सिर्फ ये डाल है, बाकी सब में एटलीस्ट चले उसका रिस्पांस आ रहा है, रिजल्ट्स आते हैं, नहीं आते वो अलग बात है। इसको क्लियर कर देते हैं, सेव सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी अब डाटा आता है कुछ। ओके ये अब डाटा आ रहा है। खैर नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे और न्यूयॉर्क टाइम्स एपीआई को उसको अपडेट करेंगे। हम यहाँ पे बैकएंड में वापस आ जाएंगे और फिर वही जो अभी हमने अभी तक काम सारा किया उसको फिर एक दफ़ा रिपीट करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर इसको खुद करें और सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें, करके आप ज़्यादा सीखेंगे प्लीज़। और ये इक्वल डॉट डॉट और अब ये एंड इक्वल और एंड इक्वल एंड इक्वल इसको पहले कर लेंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स है तो ज़्यादा बेहतर है। एंड इक्वल अब एंड और इक्वल यहाँ पे डॉट कंकैटिनेशन, यहाँ पे एंड इक्वल कंकैटिन सॉरी कंकैटिनेट स्टॉप और क्लियर। फिर ऊपर से एक को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, इसके पहले ये काम कर लेंगे और उसके बाद अब ऊपर से एक चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और दैट सेट अप सिर्फ और सिर्फ इसको रिप्लेस कर लेंगे। बिगेन डेट ये इस फॉर्मेट में चाहिए व्हाट्सएवर। तो इसको कमेंट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जस्ट फॉर रिकॉर्ड। चलें इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, इसको भी अनचेक कर देते हैं, सॉरी अनकमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे आके लेट्स से सब सबमिट करते हैं यहाँ पर। और ये डाटा आ गया आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स ये और ये। और इसमें एक दफ़ा एंटरटेनमेंट और लेट्स से एंटरटेनमेंट में से हम खबरें लेके आते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे सामने आता है। ये हमारे सामने काफ़ी आई हैं और इसके साथ ही ये कंप्लीट हो जाता है। किसमें डाटा नहीं आया, न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है, शो क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, व्हाटएवर। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं।
डाटा आया है लेकिन शो काम कर रहा है। दस इसमें है, इसमें डाटा नहीं आया, इसमें डाटा नहीं आया, ये जो दस आए हैं एक चार चार आठ दस, ये दस सिर्फ इसमें से शो हो रहे हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम में आए हैं उसका क्या सीन है? अच्छा न्यूयॉर्क टाइम में, सॉरी सॉरी सॉरी, बेसिकली मेरी गलती है, ये नहीं मैंने इसको सही तरह अपडेट किया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसको करना था रेस और डाटा, एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए, रिफ्रेश और अब आप होपफुली डाटा, चलें एटलीस्ट हमने डीबग कर लिया और ये हमारे पास, दैट्स इट, डाटा आना चाहिए, बाकी ओके है। अब एक चीज़ जो मैंने लास्ट बेसिकली नोटिस की जब तक कोड कर रहा था, इस पे आते हैं तो ये अभी तक ऐसे ही है, ये आप में से ऑलमोस्ट सबको ही शायद ये पता था कि ये चीज़ स्किप हो गई है जब हम इस पे काम कर रहे थे, तो इसको अब हमें करेक्ट करना पड़ेगा। इसकी हम सिंपल सी लेआउट चूज़ करेंगे, बेसिकली ऊपर इमेज, नीचे टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और एंड पे फिर एक फुल विड्थ का बटन के विजिट पोस्ट वाला, दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उसी के साथ हमारी ये जो ऐप है ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसे टेस्ट करेंगे और फाइनलाइज कर देंगे। एक दफ़ा फ्रंट एंड बैक एंड कोड को चेक कर लेंगे, कोई अनयूज जो कोड होगा उसको रिमूव कर देंगे, कमेंट्स को चीज़। इस स्क्रीन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद आगे वाली वीडियो में हम टेस्टिंग करके इस ऐप को फाइनलाइज कर देंगे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कॉन्टैक्ट लिस्ट में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, जहाँ पे भी हो सकता है तो प्लीज़ ज़रूर इसको शेयर करें, एक दिन के लिए शेयर कर दें, ये आपकी एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट होगी। और बेसिकली जो भी लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, लेट्स से आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो कि रिएक्ट जेएस या लारावेल सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। वो इस कोर्स को देख के एक प्रॉपर ऐप डेवलपमेंट सीख सकेंगे, अपने स्किल्स को बेहतर कर सकेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स और प्रॉपर एक जो प्रोफेशनल कोड होता है उसका पैटर्न सीख सकेंगे। वीडियोस के रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड, चैनल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.